आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी का नाश्ता। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक कटा प्याज, एक कटा टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा यहाँ पर अचार का मसाला लगेगा। अब यहाँ पर धनिया, टमाटर, प्याज को मिक्स करके अब इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे, क्योंकि अचार में भी नमक होता है, रोटी में भी नमक होता है, इसलिए हरा धनिया, टमाटर, प्याज की क्वांटिटी के हिसाब से भी नमक डालें। आधी चम्मच सीका जीरा, आधी चम्मच जीराउंड पाउडर डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक रोटी लेंगे और उसके ऊपर अचार का मसाला फैलाएंगे। अचार के मसाला फैलाने के बाद उसके ऊपर अब टमाटर प्याज का जो मसाला तैयार किया था वो फैलाकर इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। बाकी बची हुई रोटी को भी सेम प्रोसेस से फोल्ड करें। इस रोटी में मैंने हाफ साइड ही मसाला फैलाया है। इसके बाद हम गैस पर तवे को गर्म करेंगे, उस पर थोड़ा सा तेल फैलाएंगे, फिर एक एक करके मसाला रोटी को तवे पर रखेंगे। अब इसको धीमी धीमी आंच पर हम उलट पुलट करके थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर इनको ब्राउन होने तक सेकेंगे। आपने देखा होगा कि हमने बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही टेस्टी नाश्ता तैयार कर लिया है और बची हुई रोटी का भी यूज़ अच्छे से कर लिया है। देखिए, आप सीखने के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन दिखने लगा है, इससे लग रहा है कि ये थोड़े सीखने लगे हैं और थोड़ा इसमें क्रिस्पीपन भी आने लगा है। जब हम शाम की चाय पीते हैं तो उसके साथ ये सुबह की रोटी बची हुई का नाश्ता बनाकर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हो गए हैं। आइए इस नाश्ते को अब हम सर्व करते हैं। आप इसे गर्म गर्म ही सॉस या हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। आप इस रेसिपी को अपनी पसंद से इसका नाम दे सकते हैं, जैसे रोटी के सैंडविच, मसाला रोटी। मैं इसे मसाला रोटी के नाम से पसंद करती हूँ।